और सीधा रुख कर रहे हैं हम गोरखपुर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब ने पिछले 9 वर्षों में भारत की विकास की एक नई यात्रा के साथ साथ आस्था और विरासत को मिल रहे सम्मान और वैश्विक स्तर पर भारत को मिल रही नई पहचान को देखा है। ये नया भारत जिसमें समग्र विकास की अवधारणा चरितार्थ होती भी दिखाई दे रही है, तो साथ साथ भारत की गौरवशाली आस्था और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। हम में से हर व्यक्ति जानता है योग भारत की अति प्राचीन विधा रही है, लेकिन पहली बार योग वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। जब 21 जून की तिथि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को वैश्विक मान्यता दी और वर्तमान में 180 देश भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ, इस उपहार के साथ जुड़ करके भारत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कुंभ को विश्व की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के प्रयागराज कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलाने का कार्य 2019 में देश ने भी और दुनिया ने भी देखा है, और भारत की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और उनकी पुनर्स्थापना का कार्य किस रूप में होना है यह आपने बाबा विश्वनाथ के धाम को देखा होगा।